नमस्कार किसान साथियों, जैविक खेती यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम आए हैं धुंधड़ का और जिला मंदसौर है और शिमला मिर्च इन सर ने लगा रखी है। सर आप एक बार परिचय दीजिए अपने किसान साथियों को। जी सर, मैं महेश ताकड़, ग्राम धुंधड़ का से, जिला मंदसौर। जैसे हमने पारंपरिक खेती छोड़कर ये सब्जी की खेती कर रहे हैं। हम करीबन 3 साल हो गए हमें भी ये खेती करते करते। धीरे धीरे हम इस खेती पर उतरे तो एक्सपीरियंस मिलता गया, हम चलते गए। अच्छा सर, तो आपने जैसे कि ये नर्सरी घर पे तैयार करी या फिर लाए आप? नहीं, हमने ये नर्सरी घर पे तैयार करी। घर पे तैयार करी। कौन सी वैरायटी का बीज है ये? ये क्लॉस वैरायटी का अंबिका A1 करके है। अच्छा, उस वैरायटी का है जी। तो ये आपने कितने मतलब कितना बड़ा पौधा हो गया था उसके बाद लगाया आपने? पौधा हो गया था 2 महीने का हो गया था सर। अच्छा, 2 महीने का पौधा हो गया था, उसके बाद आपने लगाया? जी, सितंबर में हमने इसका तैयार करा था। इस बारिश की वजह से हम इसको थोड़ा जल्दी नहीं लगा पाए। 15 दिन हमें थोड़ा जल्दी लगाना था तो हम बारिश की वजह से जल्दी लगा नहीं पाए। अच्छा, बारिश की वजह से जल्दी लगा नहीं पाए। तो ये कितने अपने 1 बीघा का होगा ये? आधा एकड़ का है। आधा एकड़ का है ना सर? अच्छा सर, तो सर ये जो आपने जो ये मतलब कि ये लगाए, ये क्या चीज़ बोलते हैं इसको, और ये क्यों लगाए, किस कारण की वजह से लगाए इसको? इसको अपन क्रॉप कवर कहते हैं। क्रॉप कवर। अच्छा हाँ। जैसे ज़्यादा ठंड पड़ रही है, अपने जलने की संभावना लग रही है, उस स्थिति में अपन को लगा देनी चाहिए। अच्छा, जब ज़्यादा ज़्यादा ओला गिरता है उससे क्या पत्ते जल जाते हैं? पत्ते जल जाते हैं। और इसको लगाने से मच्छर, जैसे सफ़ेद मच्छर, इल्ली विल्ली, इसका भी प्रकोप थोड़ा कम हो जाता है। और सफेद मच्छर तो पूरी तरीके से खत्म ही हो जाते हैं इससे। अच्छा, सफेद मच्छर तो बिल्कुल ही पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं जी। इसके अंदर मतलब आते ही नहीं है सफेद मच्छर। सफेद मच्छर आते ही नहीं है, वायरस लाते हैं, ऐसे ऐसे मच्छर इसमें आते ही नहीं है, तो इस वजह से पौधा भी अच्छा ग्रोथ करता है। अच्छा, तो सर इसमें जो अपना स्प्रे वगैरह करते हैं तो इसमें क्या कुछ स्प्रे वगैरह भी करने पड़ते हैं या फिर? नहीं, जैसे अपन ने इसको लगाया उससे पहले स्प्रे कर दिया था इसमें। अच्छा, उसके बाद इसमें लगाने के बाद स्प्रे बहुत कम करना पड़ता है। स्प्रे करने के लिए अपन को इस यहाँ से ऊपर उठा लो इसको और स्प्रे करने के बाद फिर रख दो। अच्छा, तो इसको मतलब ये मतलब कि खुल भी जाता है? हाँ, खुल जाता है। फिर इसको लगा देते हैं? फिर लगा देते हैं। सिस्टम तो अच्छा है यार सर, बहुत बढ़िया सिस्टम है। तो सर इसके जो अब फूल आने लग गए हैं धीरे धीरे और ये प्रोडक्शन निकलेगा, तो इसका क्या रेट रहेगा, कुछ किसान साथियों को जानकारी दोगे आप? जी बिल्कुल देंगे। ये हमने अभी पहली बार लगाई है। जैसे बारिश में इसका रेट था 80 तक था इसका रेट। तो हम भी जिन किसानों ने लगाए थे शिमला मिर्च उनसे मिले, उनके वहाँ देख कर आए, उसके बाद हमने भी लगाए। अब देखते हैं क्या रेट मिलते हैं इसके। अच्छा, क्या रेट मिलते हैं अभी देखते हैं। तो आपने ये बे सीजन की है कि सीजन का ही है, मतलब आपने शिमला मिर्च सीजन में है? बे सीजन में। अच्छा, बे सीजन में, मतलब कि ये 150 रुपये किलो भी जा सकता है? जी जी, वो तो मार्केट किस चीज़ पे उठाव लेगा उस हिसाब से जाएगा। हाँ, तो ये बे सीजन आपने बोला है ये शिमला मिर्च, तो इसमें क्या मतलब ज़्यादा मेहनत लगती है कि कम मेहनत लगती है, कुछ किसान साथियों को बताओगे एक बार? नहीं सर, मेहनत तो जितनी आप कर सकते हो उतनी मेहनत लगेगी इसमें। अच्छा। आप सोच लो कि कम मेहनत तो आपसे नहीं हो पाएगी ये कम मेहनत में। तो सबसे पहले क्या खेत की जुताई कितनी बार करनी पड़ती है सर? खेत की जुताई मैंने 4 बार करी है। अच्छा, खेत की जुताई 4 बार करी? जी, 4 बार करी। उसके बाद क्या करना पड़ता है सर? तो उसके बाद अपने को ये बेड बनाने पड़ते हैं इस पे। अच्छा, देख रहे होंगे बेड इसके अंदर, एक बार बताओ सर पौधा वगैरह बता दो। अच्छा, ये इस तरह से? हाँ, ये हमने ये लगाने में थोड़ी देर हो गई, इस वजह से अपने पौधे रिजेक्ट हो गए इसमें कुछ कुछ। अच्छा, आप देख रहे होंगे। हाँ सही बात है, किसान साथियों ये कह रहे हैं कि हमको कुछ देर हो गई है इसलिए पौधे रिजेक्ट हो गए हैं लगाने में, ये फॉर्म लगाने में मतलब देर हो गई इनको, तो ये पौधे रिजेक्ट हो गए हैं। आप देख सकते हैं, ऐसी गलती आप ना करें। तो आपने ये पन्नी बिछाई पहले? जी, ये इसको मल्चिंग बोलते हैं। इसको मल्चिंग बोलते हैं। हाँ, इसके अंदर भी वो नलियां वगैरह भी होगी? हाँ, इसमें ड्रिप है। अच्छा, ड्रिप है अंदर? दिख रही है, ये दिख रही है ऊपर। हाँ, ऊपर आ गई, लंबी थी तो। हाँ, ये रह गई अंदर, रह गई। अच्छा अच्छा, किधर है किधर? अच्छा सर, ठीक है सर, आप लगा दीजिए इसको, आपके पौधे को नुकसान नहीं होगा। तो सर जैसे कि हवा बारिश या रुक लेता है, जैसे कोई मौसम परिवर्तन होता है, तो सर इसमें कोई जैसे कि ये फटवर्तन जाता है, कुछ नुकसान तो नहीं होता है? संभावना जैसे अपन अभी बेमौसम, जैसे बारिश का मौसम नहीं है और ऐसे में बारिश हो सकती है, तो ऐसे स्थिति में ये फटने की संभावना 100% बन सकती है। अच्छा, तो कितना खर्चा आया होगा सर ये लगाने में आपको? सर इसमें तो खर्चा करीबन मान के चलो कि 50,000 तक तो पहुंच गया है खर्चा। अच्छा, ये लगाने में ही? ये लगाने में ही।
अच्छा हाँ, इसको सब अभी तक का जितना भी है उस सब में, अभी इसमें अपन को क्रॉप कवर में अभी अपने को 20,000 से 25,000 के लागत में लगी है ये। अच्छा, क्रॉप कवर 20-25,000 रुपये में लगी है। अच्छा, तो अभी तक 50,000 रुपये का मतलब कि ये ये खर्चा हो गया है, खर्चा हो गया। तो कितने दिन बाद आपने ये जैसे कि शिमला मिर्च लगने लग जाएगी सर? शिमला मिर्च बस अब तैयारी हो गई इसमें, ये करीबन अपने को 1.5 से 1.5 महीना वो जैसे मौसम के ऊपर है, अभी बे मौसम है तो अपने को लगाए 2 महीने हो गए इसको भी। अच्छा सर, तो अब इसको ढक दिए उसके बाद अपने को देखने को मिल रही है कि अच्छा ग्रोथ है, उसके बाद फूल उसके कर वो सब अच्छे अच्छे मतलब दिखने लग गए अपने को, दिखने लग गए। किसान साथियों, आप देख सकते हैं कि इन्होंने ये जो फार्म तैयार किया हुआ है, क्रॉप कवर जो बहुत ही अच्छा तरीके से साथियों इन्होंने किया है, आप देख सकते हैं क्रॉप कवर जो अपन बिना मतलब बिना पोलिया हाउस के भी लगा सकते हैं शिमला मिर्च को इस तरीके से। ये क्रॉप कवर आप देख सकते हैं, तो इन्होंने किस तरह से लगाया है। ये बंगड़ी है, कितने मतलब ये बंगड़ी जो है ये कितने कितने मतलब 10 फीट के अंदर ही अंदर ही? हाँ, 10 फीट के अंदर। अच्छा, 10 फीट के अंदर अंदर है। और एक ये जो ये मतलब कि ये क्या है, डोरी, इसको डोरी कहते हैं इसको, इसको डोरी है। तो तीन डोरी है ये? हाँ, तीन डोरी है। अच्छा, तीन डोरी, इसमें एक भी लगा रहेगी, दो भी लगा रहेगी, तीन भी लगा। अच्छा, तीन भी लगा रहेगी, हमारे सुविधा की सबसे लगा रहेगी, पर हमें तीन वाली जो लगाई उसमें अच्छा। अगर ये पौधा बड़ा होगा तो इसको हटाना पड़ेगा कि नहीं हो जाएगा काम? इसकी पौधे की ग्रोथ करीबन इतनी रहती है, जैसे इतनी रहती है इसमें। अच्छा, अपने हटाओ भले नहीं हटाओ कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मौसम खुल जाएगा, ठंड कम हो जाएगी तो अपन खोल सकते हैं, और नहीं भी खोले तो अच्छा है क्योंकि उसके बाद अपने को मच्छर के प्रकोप से बचा सकते हैं। सही बात है सर, अगर अपन जैसे कि ये चीज नहीं हटाए अगर तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें मच्छर वगैरह या थ्रिप्स वगैरह जैसे कि कोई भी कीटनाशक नहीं लगेगा। हाँ, कीटनाशक नहीं लगेगा, ठीक है, स्प्रे भी बहुत कम मात्रा में करना पड़ेगा। सही बात है। तो साथियों आप देख सकते हैं इस तरह से इन्होंने ये जैसे कि पोलिया हाउस के द्वारा जैसे ही इन्होंने तैयार किया गया है, लेकिन ये बहुत अलग तरीका है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।